हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स एंड डायग्राम हेल्प। आज हम बात करेंगे वाइटल साइन के बारे में, वो भी एज के अकॉर्डिंग। हम एज के अकॉर्डिंग हर किसी में वाइटल साइन अलग अलग होते हैं, आज हम वही देखेंगे। पहले आते हैं हमारे नियोनेट। जो हमारे नियोनेट होते हैं उनके जो रेस्पिरेशन रेट होते हैं, नॉर्मल एक पर्सन के रेस्पिरेशन रेट 16 से 20 हम बोल सकते हैं, और नियोनेट का होता है 30 से 50 पर मिनट के अकॉर्डिंग। देन जो उसका पल्स रेट होता है पर मिनट के अकॉर्डिंग 80 से 180, ये नॉर्मल माना जाता है एक नियोनेट के पल्स रेट। देन आता है ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर होती है वो नियोनेट में होते हैं 60, सिस्टोलिक में होते हैं 60 एंड डायस्टोलिक में होते हैं 30। देन आते हैं हम इन्फेंट्स में। जो इन्फेंट्स होते हैं उसकी रेस्पिरेटरी रेट होती है पर मिनट के अकॉर्डिंग 20 से 40। देन उसकी पल्स रेट होते हैं 80 से 160, ऐसे कम होते जाएंगे। देन ब्लड प्रेशर, उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 96 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 60। देन आता है हमारा टोटलर। टोटलर के जो रेस्पिरेशन रेट होते हैं वो 20 से 30 होते हैं, पल्स रेट उनके होते हैं 80 से 150 एंड उसके जो ब्लड प्रेशर होते हैं वो होते हैं सिस्टोलिक में 98 एंड डायस्टोलिक में वो होता है 64। स्कूल एज चाइल्ड के रेस्पिरेशन रेट होते हैं 16 से 24, पल्स रेट उनके होते हैं 75 से लेकर 110, देन ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक में होते हैं 106 एंड डायस्टोलिक में होता है 68। देन जो एडोलसेंट होते हैं उनके होते हैं 12 से लेकर 20 रेस्पिरेशन रेट एंड पल्स होते हैं 50 to 100 एंड ब्लड प्रेशर होते हैं 114 सिस्टोलिक एंड 74। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।